शिफ्टिंग इतना मुश्किल काम है मुझे अब अंदाजा हो रहा है, और वो भी जब ईद सर पे हो। सीरियसली बैंड बज गई है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और उनकी बहनों, और क्या हाल है यार। अपने कंफर्ट जोन से निकलना, अपने घर को छोड़ के एक नए घर में शिफ्ट होना कितना मुश्किल काम है, इस बात का अंदाज़ा मुझे अब हो रहा है बॉस। लेकिन अगर बंदा कर ही रहा है तो ज़रा सही तरीके से कर। आपके भाई ने पूरा बचपन, एंड आई मीन इट, के पूरा बचपन रूम शेयर करा है, क्योंकि हमारे घर वालों का मानना था कि यार तुम तो अभी छोटे हो, तुम्हें पूरे कमरे की क्या ज़रूरत। तो सही है भाई। और अगर हम सब एक कमरे में एक एसी चला के ना सोए तो फिर हम शाह खर्च हैं, हम बहुत पैसा उड़ाते हैं और पाकिस्तानी होने की फील नहीं आती यार। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, तो आपके भाई के ऊपर भी थोड़ा सा करम हुआ, हमने घर चेंज करा और हमें कमरा मिला। कमरा ज़रूर मिला लेकिन स्टोर जितना बड़ा मिला, क्योंकि हम हैं लड़के और हमें बड़े कमरे की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, तो हमें मिला स्टोर जितना बड़ा कमरा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर दिल में जगह हो तो कमरे में जगह बन जाती है। पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ, मतलब कि मैंने 4 साल उस कमरे में गुजारे हैं, मैं और मेरे दोस्त, मुझे अभी भी नहीं पता सीरियसली कि हम उस कमरे में कैसे एडजस्ट करते थे। एग्ज़ाम से एक दिन पहले वो कमरा भरा पड़ा होता था और मुझे अभी भी नहीं समझ में आता कि उसमें कैसे सब ऊपर नीचे करके बस सो जाते थे। तो बात इतनी सी है बॉस के, वो भले कमरा बहुत छोटा था लेकिन यादें वो भरपूर समेट गया। वक्त के हिसाब से ख़ुद को बदलना ज़रूरी होता है, और सही वक्त पे सही जगह से निकल जाना उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आई थिंक सो इट वॉज टाइम टू चेंज द प्लेस एंड चेंज द रूम। और भाई की इतनी सी तो ख्वाहिश थी कि एक बड़ा कमरा हो, 60 इंच का नहीं पर टीवी अपना हो, सिंगल बेड ना हो, डबल बेड तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, कुछ अपनी क्लिक की हुई तस्वीरों को मैं सामने देख सकूं, और अगर रात को थोड़ा सा माहौल बन जाए दोस्तों के साथ तो बस ख्वाब पूरा। तो भैया अब यहाँ बैठ के होंगी सारी बातें, बहुत सारी ट्रैवल स्टोरीज हैं जो आपको बतानी है, जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं होता, ये समझाना है। कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करेंगे, बहुत सारा डाटा है जिसकी फुटेज तो मैंने आज तक एडिट ही नहीं करी है, तो उसका भी कुछ करेंगे। मिलते हैं जल्द, अस्सलाम वालेकुम। ये पूरी स्टोरी बताने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हमने घर चेंज कर लिया है, मतलब ऑब्वियसली कर लिया है, लेकिन फोकस करोगा मेन पॉइंट पे तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ के कभी कभी इंसान के लिए छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत अहम और बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे मेरे लिए एक बड़ा मेरा पर्सनल कमरा जिसमें मैं जब चाहूँ, जैसे चाहूँ, जिस तरह चाहूँ सेटिंग कर सकता हूँ। तो भाई अपनी छोटी छोटी खुशियों को इन्जॉय करो, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लगे रहो, और अगर आपने आंटी मुनव्वर का 3 मिल्क केक नहीं खाया तो फिर आप कर क्या रहे हैं ज़िंदगी के साथ।